भारतीय जनता पार्टी सावनेर तालुका द्वारा राज्य में सर्वसामान्य महिलाओं के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना तथा जारी सुकन्या समृद्धि योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, लेक लाड़की योजना, महिला उद्योगिनी योजना, महिला समृद्धि योजना, निःशुल्क शिक्षा योजना, महिलाओं को ST प्रवास में 50% छूट, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी महिलाओं को प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से हाल ही में सावनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सावनेर भाजपा तालुका व शहर भाजपा द्वारा बस स्टैंड सावनेर स्थित प्रसंग सभागृह में रविवार दिनांक 22 सितंबर को लाडली बहन महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। आयोजन में भाजपा नेता डॉक्टर राजीव पोद्दार, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के सावनेर विधानसभा अध्यक्ष मनोहर कुंभारे, महिला आघाड़ी अध्यक्षा मीना तायवाड़े, रामराव मोवाड़े, मंदार मंगले, एडवोकेट प्रकाश टेकाड़े, रोहित मुसळे आदि मान्यवरों द्वारा उपस्थित रहकर महिलाओं को हाल ही में जारी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सहित संबंधी मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन रामराव भोवाड़े ने तथा आभार भाजपा शहर अध्यक्ष राजू घुगल ने माना। कार्यक्रम के पश्चात सभी बहनों के लिए भोजन का भी आयोजन रखा गया था। 85,000 महिलाओं को मिला लाभ। सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहन योजना के अध्यक्ष मनोहर कुंभारे ने अपने संबोधन में कहा कि सावनेर कलमेश्वर तहसील के करीब 85,000 महिलाओं को लाभ मिला है और जिन बहनों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है उन्हें भी शीघ्रता से लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन बहनों ने अब तक आवेदन नहीं किए अथवा जिनके आवेदनों में त्रुटियां हैं उन्हें भी शीघ्र दुरुस्त कर उन्हें भी लाभ दिलाने का आश्वासन इस अवसर पर दिया गया। आयोजन के सफलतार्थ शहर भाजपा अध्यक्ष राजू घुगल, पूर्व नगर सेवक रविंद्र ठाकुर, अरविंद ताज ने, निखिल पोटभरे, नरेंद्र ठाकुर, गेंदलाल कमाले, अंकुश बल्की, माया पोटभरे, भारती आठवणकर, वैशाली कोहड़े आदि ने परिश्रम लिया। तू बोलली होती बर का, आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे। मी पहिले शाळेत घातलं की 6,000 रुपये, आणि हो जेव्हा 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये, आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडी मध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची। एवढंच करायचं होय। धन्यवाद बर का माझ्या लेकींना। या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकार।